हम हाजिर हैं आपके सामने एक बार फिर लेकर अपना अगला वीडियो जो कि है क्लास 12th के लिए एंड टुडेज टॉपिक इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इससे पहले हम डिटरमिनेंट्स और मैट्राइसेस कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर ये पहला वीडियो है, तो पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। एक्चुअली आपने अभी चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि क्या डेफिनेशन होती है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन की। वी नो दैट द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। किसी भी फंक्शन का इनवर्स केवल तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन क्या हो, बाइजेक्टिव हो। अब बाइजेक्टिव से मतलब क्या होता है, जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आप समझेंगे उसमें इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव। हालांकि कुछ बच्चों ने 11th में पढ़ा हुआ है, मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है कि क्या होता है इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब होता है वन वन, सर्जेक्टिव मतलब होता है ऑन टू, और अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है तो उसे क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। मतलब वन वन और ऑन टू दोनों है तो उसे क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव। अब अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी वो क्या होगा, इनवर्स का उसका एग्जिस्टेंस होता है। समझ में आ गई इतनी बात कि इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा। अब अपन बात करते हैं, एक नोट है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन। ये आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं पीरियोडिक होते हैं, क्योंकि आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड उनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, रिपीट होती है। पर्टिकुलर वैल्यू रिपीट करते हैं, हमने पढ़ा है ये 11th क्लास में। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि पीरियोडिक है तो वो बाइजेक्टिव नहीं होते, क्योंकि वहां पर ऑन टू होने के चांसेस कम हो जाते हैं या वन वन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर वो बाइजेक्टिव नहीं होते, इट मींस दे आर नॉट इन्वर्टिबल। तो इसका मतलब तो है कि कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इन्वर्टिबल होगा ही नहीं। पर अगर हम कुछ ऐसा करें कि उनका जो डोमेन और रेंज है या कोडोमेन है उसको अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, कुछ सीमाओं में बांध दें, कुछ लिमिट्स उनके अंदर लगा दें, तो फिर वो कुछ पर्टिकुलर केसेस में क्या हो सकता है, इन्वर्टिबल हो सकता है। समझिए उसी चीज के बारे में बताया गया है कि उसको अगर अपन रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो इनवर्स होगा। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। चलिए कंसीडर द फंक्शन, मुझे पता है सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अपन कंसीडर करके चलते हैं कौन सा, साइन एक्स। तो कंसीडर द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स क्या, एक फंक्शन है और उसको हमने डिनोट किया किससे, साइन एक्स से। हमें यह भी पता है, ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है, ये भी हमने ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन थीटा। यहां पर एन क्या है, इंटीजर है। अब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जनरल सॉल्यूशन है, मतलब थीटा की अलग अलग वैल्यूज पर एक्स की बहुत सारी वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएंगी, थीटा डिफरेंट होगा पर एक्स क्या होगा, कई बार सेम भी आ जाएगा। थीटा की अलग अलग वैल्यूज पर एक्स कई बार सेम वैल्यू भी दे देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसा फंक्शन हुआ, मेनी वन एंड ऑन टू ऑल्सो। तो जब मेनी वन और ऑन टू है तो फिर ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर हमने साइन एक्स का जो डोमेन है वो माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में रख लिया, किसका, साइन एक्स को, रिस्ट्रिक्ट कर दें इतने में, ठीक है। तो फिर इसका जो रेंज होगा वो कैसे होगा, ये डोमेन और रेंज हमने 11th में पढ़ा है, माइनस पाई बाई टू लेस इक्वल टू एक्स और लेस इक्वल टू क्या है, पाई बाई टू। अब मैं क्या करूं, अगर एक्स की जगह दोनों तरफ साइन ले लूं मैं तो क्या होगा, माइनस साइन पाई बाई टू माइनस वन होगा, साइन पाई बाई टू वन होगा, और साइन एक्स जो होगा वो क्या होगा, वाई। तो वाई की वैल्यू माइनस वन और प्लस वन के बीच में आ जाएगी। अगर मैं डोमेन इतना ले रहा हूं तो रेंज इतनी हो जाएगी। तो यहां पर अब ये क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। मतलब वन वन का मतलब क्या होता है कि हर एक फंक्शन, हर एक वैल्यू के लिए उसकी एक यूनिक वैल्यू होगी। इफ एक्स एंड वाई आर एसोसिएटेड इन सच अ वे दैट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई हैज अ यूनिक वैल्यू, तो इसको अपन वन वन कहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में वन वन हो गया एंड ऑन टू, तो फिर ये क्या हुआ, इन्वर्टिबल हुआ, ठीक है, अगर उसके डोमेन और रेंज को क्या कर दिया जाए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। अब देखिए, अब इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूं, साइन इनवर्स। तो x की जो वैल्यूज है वो माइनस वन और साइन इनवर्स x की बात कर रहे हैं, रेंज कितना आया, माइनस वन से वन, क्योंकि ये हमने साइन x के बारे में बात की है कि y इज इक्वल टू क्या है,
साइन एक्स है, तो फिर साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स लेके चल रहे हैं अपन, माइनस वन लेस इक्वल टू वन एक्स की वैल्यूज है, तो जो वाई की वैल्यूज है वो क्या है, माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में। तो अगर मैं लिमिट्स ना भी लू, डोमेन रेंज ना भी लू, तो फिर इसको हम साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई, जिसका मतलब यही है कि एक्स इज इक्वल टू क्या है, साइन वाई, वहीं से लेके चले एक्स इज इक्वल टू क्या है, अगर साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन वाई। इसका मतलब क्या है कि ये जो साइन इनवर्स एक्स है वो वाई है, और वाई क्या है, एक एंगल है, वाई क्या है, एक एंगल है किसका, साइन का, मतलब वाई इज एन एंगल, मतलब साइन इनवर्स एक्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एन एंगल, ठीक है, हुज, मतलब साइन इनवर्स एक्स इज एन एंगल, हुज साइन इज एक्स, जिसका साइन क्या है, एक्स है। तो इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ऑल दोज ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन, वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट एनी एंगल इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू, ठीक है, वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन जो अपने एंगल को उसकी वैल्यू के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं क्या कहलाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं, इसी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कॉन्सेप्ट था। हालांकि अगर हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया हो, क्योंकि इसके लिए आपको रिलेशन फंक्शंस थोड़ा आना चाहिए, पर एक्चुअली ये चैप्टर बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट ये थोड़ा सा दिया हुआ है, इसके बाद अपन जब आगे इसकी प्रॉपर्टीज पर जाएंगे तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में। चलिए तो बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में, क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, एक्चुअली क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू इज द वैल्यू विच लाइज बिटवीन द प्रिंसिपल ब्रांच ऑल्सो। प्रिंसिपल ब्रांच, जैसे हमने अभी देखा था कि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था उसके डोमेन को, तो जो डोमेन होता है उसका, उसी को प्रिंसिपल ब्रांच भी कहते हैं। तो यहां देखिए, द लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू अमंग ऑल द वैल्यूज ऑफ द एंगल विच हुज साइन एक्स इज एक्स, मतलब द लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज अमंग ऑल द वैल्यूज, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं पीरियोडिक होते हैं, तो जितनी भी वैल्यूज होती है उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी किसकी, एंगल की, जिसका साइन एक्स क्या होगा, एक्स होगा, उसे अपन क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। अगर साइन की बात करें, टेन की बात करेंगे तो टेन के लिए होगा, कॉट की बात करेंगे तो कॉट के लिए होगा। चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। क्वेश्चन दिया गया है कि साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू की प्रिंसिपल वैल्यूज आप निकालिए, ठीक है, तो जिसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, मैंने साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू इज इक्वल टू क्या ले लिया, एक्स, साइन को उधर भेज देंगे तो वन अपॉन रूट टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स, इनवर्स उधर जाके साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन एक्स वन अपॉन रूट टू हो गया। वैसे वन अपॉन रूट टू की डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है, साइन 45, मतलब साइन 45 की वैल्यू वन अपॉन रूट टू होती है, तो ये साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा के फॉर्म में आ गया, जनरल सॉल्यूशन। तो इसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है अगर अपन जनरल निकालें, तो अगर मैं वैसे भी निकालूं, चलो एक 360 वो ले लेते हैं अपन कि क्वाड्रेंट में निकालें, तो 45 तो ठीक है, साइन कहां कहां पॉजिटिव होता है, पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में, तो इसको हम साइन 180 माइनस 45 लिखेंगे तब भी वही का वही आएगा, तो साइन 45 साइन 135, ठीक है, 0 टू 360 के बीच में बात करें, वैसे तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो 45 और 135 आएगी वैल्यू किसकी, एक्स की, तो लीस्ट वैल्यू क्या है दोनों में, लीस्ट वैल्यू इज 45, तो 45 विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मतलब साइन इनवर्स रूट टू, तो साइन इनवर्स रूट टू की वैल्यू 45 प्रिंसिपल वैल्यू। अब आप कहेंगे ये तो हमें डायरेक्ट ही पता था, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पता था, पर अगर नेगेटिव आता है या कुछ और आता है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, कॉस इनवर्स माइनस रूट थ्री बाय टू, इसमें भी हमने एक्स एड कर लिया, माइनस रूट थ्री अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस एक्स, अब कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री अपॉन टू, माइनस रहने देते हैं, रूट थ्री अपॉन टू कॉस में किसकी वैल्यू होती है, कॉस 30 की, लिख दिया मैंने कॉस 30, अब ये माइनस हटाना है, तो कॉस कहां कहां निगेटिव होता है, ऑल सिल्वर टी कप्स या ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, तो पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में कॉस निगेटिव होता है, और तीसरे में, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या टेक्निक होती है, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 प्लस थीटा, तो 180 ले लिया, क्योंकि इससे क्या है, कॉस का कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो cos x हो गया ये cos 180 माइनस 30, मतलब माइनस cos 30 होता, और cos 180 प्लस 30 भी क्या होता, माइनस cos 30, तो माइनस cos 30 को लिख लिया, cos x ये 180 में से 30 जाएगा तो 150, ये 180 प्लस 30 तो 210, cos हटा देंगे तो x की दो वैल्यू आई 150 एंड 210, तो विच इज द लीस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू इज 150, सो 150 विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू।
तो जो छोटी वैल्यू होगी मतलब उसकी जितनी भी वैल्यू आएंगी, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं ये, तो बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। अभी तो हम 360 तक निकाल रहे हैं, लेकिन अगर मैं जनरल सॉल्यूशन निकालूं तो न जाने कितनी वैल्यूज आ सकती हैं। तो उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही क्या होगी, प्रिंसिपल। हम 360 तक क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक वैल्यू तो ऐसी होगी जो 0 से 360 के बीच में आएगी, तो उसी को हम क्या कहेंगे, लीस्ट वैल्यू, एंड दैट विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द गिवन। तो चलिए ये तो आ गया प्रिंसिपल वैल्यू, आपने समझ लिया। अब समझते हैं सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज। चलिए तो बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये डिपेंड करता है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज पढ़े हैं। तो जो मतलब अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन है, तो साइन एक्स का जो रेंज होगा वो साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, डोमेन। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या हो जाएगा, डोमेन। और डोमेन पर ही डिपेंड होगा क्या, रेंज। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक एक फंक्शन की। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका डोमेन हमें पता है कि साइन एक्स की रेंज क्या होती है, साइन एक्स इज लाई बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन, साइन एक्स। तो फिर साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा वो माइनस वन और प्लस वन के बीच में होगा। अब इसके डोमेन पर ही इसकी रेंज आएगी, कैसे आएगी, अगर मैं यहां पर x की जगह माइनस वन रख दूं, ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा, x की जगह मैं इसको यहां लेके जाता हूं साइन y इज इक्वल टू x, तो साइन y इज इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस वन वैल्यू होती है किसकी, वन इज द साइन पाई बाई टू, और माइनस तो रहेगा ही, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू, और अगर मैं वन रखता हूं तो क्या आ जाएगा, प्लस पाई बाई टू। तो अगर इसका डोमेन माइनस वन और प्लस वन के बीच में है, तो इसकी रेंज जो होगी माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू के बीच में होगी। इसी को प्रिंसिपल ब्रांच भी कहते हैं, या प्रिंसिपल वैल्यू। अगर मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं, ठीक है, तो उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो ऑलवेज लाई बिटवीन दीज टू, हमेशा इनके बीच में आनी चाहिए, ठीक है ना, तभी वो उसकी क्या होगी, प्रिंसिपल। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, साइन की जो प्रिंसिपल वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 45 डिग्री, मतलब पाई बाई फोर, विच इज लाइज बिटवीन इन दिस। एक और क्वेश्चन किया था हमने कॉस के लिए, चलिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, माइनस वन लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू कितना, वन, मतलब कॉस का भी जो रेंज होता है वो क्या होता है, माइनस वन और प्लस वन। तो यहां पर जो कॉस का रेंज था वो कॉस इनवर्स x के लिए डोमेन बन जाएगा, और इसके डोमेन पर इसकी रेंज आएगी। जैसे मैं माइनस वन रखूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस वन पाई की वैल्यू होती है, और वन किसकी वैल्यू होती है, जीरो की, कॉस के लिए। तो जीरो और पाई के बीच में आ जाएगी वाई की वैल्यू, वाई मतलब रेंज ऑफ द कॉस इनवर्स एक्स, क्लियर है। तो अभी हमने जो एग्जांपल किया था उसमें क्या वैल्यू आई थी, 150। तो देखो 150 इसी के बीच में है ना, क्योंकि पाई इज द 180, तो ये जीरो से 180 और 150 आया इसी बीच में आया, और 210 जो कि इसमें नहीं था तो वो बाहर चला गया। तो दूसरा अपन प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एक तो हमने देखा लीस्ट वैल्यू, दूसरा तरीका क्या है कि जो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर वैल्यू आएगी वही क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ठीक है, और बाकी सबको क्या कर देंगे, निगलेक्ट। चलिए बात करते हैं थर्ड, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x का जो रेंज था वो क्या था, ऑल रियल, टेन एक्स का जो रेंज था वो क्या था, ऑल रियल वैल्यूज। तो यहां पर उसका डोमेन क्या बन जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, बट लेकिन इसका जो रेंज आएगा वो माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू, और माइनस पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि टेन नाइनटी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, टेन नाइनटी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, तो इसीलिए दे आर नॉट इंक्लूडेड। तो बेसिकली तो अपन को ये तीन ही चाहिए, क्योंकि इनकी अपन जरूरत होगी नहीं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कॉट में आएगा तो मैं उसे पहले ही टेन में कन्वर्ट कर लूंगा थ्रू द प्रॉपर्टीज, अब आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्वेश्चन अगर सेक में आएगा तो मैं उसे कॉस में कन्वर्ट कर लूंगा, अगर कॉसेक में आएगा तो उसे साइन में, और इन तीन को हमें ध्यान रखना है, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी लिखे हुए हैं आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली जरूरत पड़े, बट हम कोशिश यही करेंगे कि साइन कॉस और टेन में ही कन्वर्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए इसके बाद ग्राफ ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, पर उन्हें हम बाद में करेंगे, पहले हम प्रिंसिपल वैल्यू के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए तो कुछ एग्जांपल करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स -1/√3 और cosec इनवर्स -2।
पहले लेके चलते हैं cot इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू x, तो माइनस वन अपॉन रूट थ्री इसको वहां ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा cot x। जैसे मैंने आपको बताया था cot का मुझे यूज ही नहीं करना, तो माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू cot को मैंने क्या लिख लिया टेन एक्स, वन अपॉन टेन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई टेन एक्स आ गया माइनस रूट थ्री। अब टेन एक्स इज इक्वल टू ये क्या आएगा माइनस, तो रहेगा रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है टेन में सिक्सटी की, तो टेन सिक्सटी। अब ये माइनस हटाना है तभी तो ये टेन रिमूव होगा, तो माइनस हटाने के लिए क्या है क्वाड्रेंट देखेंगे कहां कहां टेन निगेटिव होता है, सेकंड में और फोर्थ में। तो सेकंड मतलब 180 माइनस 60, फोर्थ मतलब 360 माइनस 60, और एक और फोर्थ में क्या होता है जीरो माइनस नाइन थीटा भी होता है, तो जीरो माइनस 60 मतलब माइनस 60 आ जाएगा। अब 180 माइनस 60 हो गया 120, 360 माइनस 60 हो गया 300 और ये माइनस 60, तो x की वैल्यू आई 120, 300 और माइनस 60। तो अगर लीस्ट वैल्यू की बात करें तो कौन सी है माइनस 60। अदर वर्ड्स में अगर प्रिंसिपल ब्रांच की बात करें 10 की तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू मतलब माइनस 90 से प्लस 90, तो ये दोनों तो बाहर चले गए तो यही वैल्यू आ रही है, तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हुई माइनस 60 डिग्री। तो cot इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू कितना माइनस 60 डिग्री, या फिर रेडियन में लिखेंगे तो माइनस पाई बाई थ्री। ठीक है, तो ये आ गया प्रिंसिपल वैल्यू। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 1 और 2 मार्क्स में। चलिए एक और देखते हैं, ये आया है सीबीएसई 2011 में। अब cosec इनवर्स माइनस 2 इज इक्वल टू x, तो माइनस 2 इज इक्वल टू cosec x, माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x, sin x इज इक्वल टू आ गया माइनस 1 अपॉन 2, sin x इज इक्वल टू आ गया माइनस sin 30, sin x इज इक्वल टू क्या आ गया sin 180 प्लस 30 और sin 180 माइनस 30 और साइन माइनस 30, वही क्वाड्रेंट के हिसाब से निगेटिव है, कहां कहां होगा थर्ड में फोर्थ में, तो फोर्थ में ये दोनों कंडीशंस आ जाएंगी। तो साइन एक्स क्या हो रहा है 210 हो रहा है, 330 हो रहा है, माइनस 30 हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू 210, 330 और माइनस, फिर से लीस्ट वैल्यू क्या है माइनस 30, या फिर अगर प्रिंसिपल ब्रांच की बात करें साइन की तो क्या है साइन और एक्स की माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, तो ये दोनों तो उसके बाहर चले गए, तो माइनस 30 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स मतलब cosec इनवर्स माइनस 2 की प्रिंसिपल वैल्यू माइनस 30 डिग्री या फिर माइनस पाई बाय 6। तो इस तरह से अपन ने प्रिंसिपल वैल्यू सीखा, डोमेन और रेंज सीखा कि क्या होते हैं, और कॉन्सेप्ट सीखे। अब अगली क्लास में अपन बात करेंगे किसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रॉपर्टी से ये चीजें और ज्यादा इजी हो जाएंगी, तो चलिए उसे हम बात डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।